हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, अहमदाबाद से आप सबको प्यार भरी नमस्ते। और मेरे साथ है हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर शिखर, और हम आए हैं एक आइकॉनिक बाजार में, चौक कह सकते हैं जिसको, फूड मार्केट, स्ट्रीट फूड की मार्केट, और वो है मानेक चौक। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। ये मिडनाइट मार्केट है जहाँ पे बहुत वैरायटी मिलती है। अभी हम सब कुछ देखेंगे, फॉलो करेंगे, देखेंगे लोग कौन से आउटलेट्स पे जा रहे हैं, हम उन्हीं आउटलेट्स को ट्राई करके आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। हाँ जी, ये अहमदाबाद की बेस्ट जगह है, अगर ये मिस किया तो अहमदाबाद आने का ट्रिप पूरा मतलब वेस्ट ही होता है। चलो तो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो 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 वीडियो देखने वालों, बोले तो ए क्लास आइटम, वाह, इसे कहते हैं जन्नत के नजारे। हेलो 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 वीडियो देखने वालों, हेलो 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 वीडियो देखने वालों, हेलो 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 हेलो, भाई मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। तो लीजिए, आपको ये दिखाते हैं मार्केट एकदम फुल जैम पैक। ये देखिए, बिल्कुल जगह नहीं है बैठने की, एकदम पैक्ड है, और ये रश बढ़ता जाएगा जैसे समय बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टॉप है बॉम्बे गुलाल वाड़ी। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे बन रहा है पाव भाजी, और इसलिए यहाँ रुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अभी तक सबसे ज़्यादा कस्टमर्स दिखे हैं, यही रीज़न है इस आउटलेट पे रुके हैं। और ये देखिए, ये पाव भाजी तैयार होती हुई, और लीजिए ये देखिए, बॉम्बे गुलाल वाड़ी की लेट 70s की ये फोटो है। आप रेट देखिए इस पे, 4 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 7 रुपये, और ये अब यही सेम आइटम अब 130 रुपये की है। 48, जी हाँ, 48 ईयर से ये यहाँ पे आउटलेट लगा रहे हैं। तो चलिए अब इनकी पाव भाजी ट्राई करते हैं। लीजिए, पेश है पाव भाजी, और ये देखिए भाजी, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, ऊपर बटर बढ़िया से सजाया हुआ है, ये प्याज और ये चटनी, और साथ में ये पाव। इसकी कॉस्ट है 110 रुपये। तो चलो जी, टेस्ट करने का टाइम आ गया है। बढ़िया से तवे पे बना हुआ है, और ज़्यादा ऑयली नहीं है, ज़्यादा बटर उटर नहीं लगाया गया। इसको खाने का तरीका वही है, थोड़ा सा इसमें प्याज ऊपर और नींबू डालते हैं हल्का सा। अब देखते हैं कैसा बनता है टेस्ट इसका, हल्का सा बटर भी। वाह, लुक्स फैब। आइए, अब मैं आपको कह नहीं सकता, मैं चाहे सामने कैमरा देख रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने कम से कम 8-10 लोग हैं जो पीठ मोड़ के बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है कैमरा ऑन करके। आलू का भरपूर टेस्ट आ रहा है, हल्का सा टमाटर का टेस्ट आ रहा है, और बढ़िया है, मिर्चे मसाले तेज नहीं है, नमक भी ठीक ठाक है। दिस इज गुड टू गो। एंड आवर नेक्स्ट स्टॉप इज बलन डोसा। जी हाँ, यहाँ पे डोसों के लिए बहुत फेमस है, और इनका हम घोटाला डोसा ऑर्डर किया है, वो दिखाते हैं आपको कैसा बनता है। तो लीजिए, अब हमारे लिए घोटाला डोसा लगाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले बैटर गया डोसे का, और ये देखिए बढ़िया से ऊपर मक्खन लगाया जा रहा है डोसे के ऊपर। ये देखिए, वाह, शिमला मिर्च, टमाटर, ओहो, वाह, फुल ऑफ वेजीज है ये,
घोटाला और ये गया पनीर। वाह वाह जी वाह। इसके बाद देखते हैं और क्या आने वाला है। और ये बराबर में देखिए, ये मैगी डोसा बन रहा है, ये भी बड़ा स्वाद सा लग रहा है। और ये ऊपर पनीर डाल दिया गया है यहाँ पे। ओहो वाह। और ये देखिए उसके ऊपर सारे वेजिस के ऊपर मोजरेला चीज डाला जा रहा है। वाह। चिली गार्लिक सॉस के ऊपर ये लाल मिर्च और मसाले वगैरह डाले जा रहे हैं। और ये क्या गया पूछते हैं, क्या है ये? वाटर। ओके तो आई गेस कुछ ग्रेवी स्टाइल बनने वाला है क्योंकि पानी गया है। और ये देखिए मक्खन। ओ भाई ये क्या बनना शुरू हो गया। ओ माय गॉड दिस इज टोटली अ डिफरेंट स्टफ। और लीजिए घोटाला हो गया है तैयार। ये देखिए ये जो ऊपर तैयार किया गया था ये अलग से सर्व किया जाएगा। और अंकल ये एक प्लेट है, ये चार और साथ में डोसा एक प्लेट। अच्छा ये रे। और लीजिए घोटाला हो गया है तैयार और सुपर क्रिस्पी। ओ हो ये तो कुछ बढ़िया ही निकल गया है। चलिए अब खा के देखते हैं। तो ये है एक स्ट्रगल फूड ब्लॉगर की। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, रुक रुक के पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी है और मेरा नया एक्सपीरियंस है। जैसे ये बना है मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे बनाया गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि जितनी मेहनत इसको बनाने में गई है इतना ये वर्थ है भी है। और ये पूरा हो जैसे ही मैंने लगाया पता लग गया कि फुल ऑफ चीज़ है। अगर आप ये चीज़ वेजी वाली सब्जी ना भी खाएं तब भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका अपना फ्लेवर बहुत बढ़िया है। इसके साथ कोई सांभर की ज़रूरत नहीं है, कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है। प्लेन ऐसे खाओगे ना चाय के साथ तब भी मज़ेदार लगेगा। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मानिक सैंडविच एंड पिज़्ज़ा सेंटर। यहाँ के सैंडविच बहुत फेमस है, तो चलिए इनके सैंडविच दिखाते हैं क्यों यूनिक है और क्यों पॉपुलर है। तो लीजिए ये बन रहा है आइसक्रीम पाइनएप्पल सैंडविच। ये देखिए सबसे नीचे ब्रेड, और ये भैया ब्रेड के ऊपर येलो येलो क्या है? जैम लगाया। किस चीज़ का? पाइनएप्पल जैम। और आइसक्रीम कौन सी है, क्या फ्लेवर है? पाइनएप्पल बीबीके। अच्छा बादाम पिस्ता काजू। और ये देखिए ये ऊपर चीज़ डाल दिया गया है, ऐसी यूनिक चीज़ मैंने नहीं देखी। ये देखिए ये क्या पाइनएप्पल चीज़ पाइनएप्पल जैम आइसक्रीम। वाह ये तो नज़ारे हैं, समथिंग यूनिक जो अभी तक नहीं किया। और देखते हैं इसका टेस्ट कैसे आने वाला है। देखने में सुनने में तो बहुत यमी लग रहा है। वाह। और क्या प्राइस है इसकी? 130 रुपए का। वाह कुछ हटके डिफरेंट चीज़। तो देखिए आपको आज यूनिक सा सैंडविच दिखा रहा हूँ, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था। इसको खा के देखते हैं। ये देखिए जस्ट लुक एट दिस, इसके अंदर क्या क्या है। और ये देखिए ठंडक वाले धुएं आइसक्रीम के। जो पाइनएप्पल इस्तेमाल किया गया फ्रेश है, मीठा है। जो आइसक्रीम यूज़ हुई है इसके अंदर पिस्ता बादाम के फ्लेवर है। और चीज़ हैवी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर है।
ओवरऑल मुझे उम्मीद नहीं थी ये टेस्टी होगा, लेकिन दिस इज फैब। अगर आप यहाँ हो इसको जरूर ट्राई करो। तो लीजिए आपको एक डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ यहाँ पे कितने स्टॉल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये एक लाइन में 12-13 आप यू कैन इजिली काउंट। और ये सामने वाली इस रो में भी 8-10 है। तो ये सिर्फ इधर का एरिया है, इसके बैक साइड पे भी काफ़ी स्टॉल्स हैं। तो दिस इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर समवन हु लिव्स आउटसाइड अहमदाबाद। ये देखिए ये है रबड़ी कुल्फी, बढ़िया सी ये ब्रिक निकाली है इन्होंने फ्रिज से और ये बना दी। ये गया आओ ची, नेक्स्ट इसमें अब रबड़ी जाएगी। और ये देखिए रबड़ी डाली जाएगी इसके ऊपर। वाह, तो लीजिए अब रबड़ी कुल्फी ट्राई कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप है मानिक चौक में और एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी फ्यूजन फूड मिलता है जो कि फूड इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। जहाँ नज़र फेरेंगे वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और किसी भी स्टॉल में रुकिए, सब कुछ इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि आप हर स्टॉल पे नहीं खा सकते। मुझे अभी तक एक्सपीरियंस बहुत डिसेंट गया और एंड मेरा कुल्फी से हो रहा है। वाओ, दिस इज गुड, रबड़ी बहुत टेस्टी है, कुल्फी भी अच्छी है। ऐसी लग रही है जैसे हम घरों में बनाते थे ना पहले, दूध को अच्छे से काढ़ काढ़ के, बिल्कुल वैसी है। तो जल्दी से बहुत सारे ऑप्शन से अब वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।